आपको ये तो शायद पता चल चुका है कि हमजा अली बासी की शादी हो रही है, और ये भी शायद पता है कि किसके साथ और कब हो रही है, बट क्या आपको पता है कि हमजा अली बासी अपनी शादी पर पहनेंगे क्या, उनकी होने वाली दुल्हन नेमल खावर क्या पहनेंगी, विल बी ऑन द गेस्ट लिस्ट, और इस सबसे बढ़कर हमजा अली बासी और नेमल खावर का शिप नेम या सेलिब्रिटी कपल नेम क्या होगा, ये सब और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में, सो डू नॉट गो एनीवेयर। सो आमना, ठहरो हसन, आपको पता है ना इज़्ज़ा की शादी हो रही है इस वीकेंड। इज्जा, मुझे तो लगा था हमजा अली अब्बासी की शादी हो रही है। हाँ, वो ज्यादा बड़ी शादी है। तो ये कब, लेकिन क्यों, कैसे, फैंस क्या बड़े हुआ? कंफ्यूज्ड हैं, वो कहाँ वो ख्वाब देख रहे थे इज़्ज़ा और अल्तमश के, हाँ मिल उनको गए हमजा और इज़्ज़ा, हाँ मतलब हमजा और नेमल। हमजा, मुझे ये बताएं कि आपको कोई भनक थी इस बारे में, सो यानी? थोड़ी थोड़ी उड़ती उड़ती आ रही थी, बट दे केप्ट इट वेरी वेरी लो की, और बिल्कुल, एंड आई लाइक इट, आई लाइक द फैक्ट कि बिल्कुल मीडिया पे सरफेस नहीं हुई कोई भी बात, कोई भी ओपन प्रपोजल्स नहीं हुए, डिक्लेरेशंस ऑफ लव नहीं हुई, कोई स्पॉटेड इधर उधर नहीं हुए, कोई लेकिन प्रेमियर्स नहीं इकट्ठे अटेंड किए गए, कुछ भी नहीं। लेकिन आपको पता है ना, लोगों की सबसे ज्यादा परेशानी किस बात की है? वो कह रहे हैं कि हमजा अभी हज करके आए, उनके तो बाल ही नहीं हो गए, और अब वो शादी करने तो जा रहे हैं, उन्होंने तो पगड़ी पहन के शादी कर ली है तो क्या फर्क नहीं, पड़ता है? वलीमे में भी पगड़ी पहनेंगे। नहीं, अब क्या, ऐसे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, मैंने एक लिस्ट बनाई है पांच छह हाँ, सवालात की। you have to admit they very make a very good दे couple, डू good मेक looking अ couple. हाँ, गॉर्जियस कपल, आई they थिंक। make a इससे really ज्यादा good गुड looking लुकिंग couple, कपल शायद absolutely, पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट absolutely. और आप इंडस्ट्री में सोचें हमजा की तो माशाल्लाह हज के बाद नूर कितना होगा उनके नूर चेहरे पे, कितना होगा उनके चेहरे। बिल्कुल। तो मैंने ये लिस्ट बनाई है पांच छह जी सवालात की, क्विकली जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहले तो मुझे बताएं कि ये कार्ड आ रहा होगा अभी लोगों के सामने, जी 25 तारीख को उनका अपेरेंटली निकाह जी है, जी 26 को उनका वलीमा है। जी तो जैसे कि एक ट्रेंड चला है सेलिब्रिटी जी वेडिंग्स का पाकिस्तान में, जी और वैसे भी नहीं, ये वैसे नहीं दस होगी, दस फंक्शंस होते हैं, ये तो वैसे नहीं आपको क्या होगी, लग रहा है कि फैसल मस्जिद में निकाह होगा और उसके बाद? ये शादी बहुत सादगी से होगी और बहुत इंतहाई दर्जे की, जिसे कहते हैं ना इस्लामी तरीके से, एंड आई थिंक दिल सेट अ वेरी गुड एग्जांपल कि निकाह सादगी से होगा, उसके बाद वलीमा होगा, एंड दैट्स इट, एंड दैट्स इट। एंड दैट्स इट। बट मूविंग ऑन टू द क्लोथ्स, अब जी हमजा, हमें तो पता है कि अवार्ड फंक्शन हो या फिल्म का जी प्रीमियर हो जी या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जी या वैसे वो किसी जलसा अटेंड पीटीआई का करने गए हो, जी उन्होंने काली शलवार कमीज पहननी होती है, शायद वो शादी पे अपने काली शलवार कमीज ना पहने, सफेद पहन लेंगे मेरे सबने। ख्याल है कि वो निकाह पे सफेद पहनेंगे जो मुझे लग रहा है, और शायद वो शेरवानी अपने वलीमे पे पहने, अच्छा और मुझे आई नो दैट ही शॉप्स वेरी फ्रीक्वेंटली एट अमीर अदनान इन ठीक है, इस्लामाबाद, लेकिन अदनान ये कहते हैं कि उन्होंने आज तक उनको फ्री कपड़ों के लिए कॉल नहीं किया। अच्छा हमजा अली अब्बासी इज़ वन ऑफ द फ्यू सेलिब्रिटीज़ जिनमें इतनी गैरत है कि वो दुकान पे जाके खामोशी से कपड़े खरीद के जाके पहन लेते हैं, वो कॉल नहीं करते कि जी मैंने आपका पहनना है तो कोई फ्री मिल जाए ये वो, तो दैट्स वेरी गुड थिंग अबाउट हिम। ठीक है। तो ये नहीं पता कि उनकी, मगर आई नो कि लो की होगी नहीं तो डेफिनेटली। जो आप कह रही हैं कि अभी वो जो उन्होंने गंज कराई हुई है, तो वो जी सेहरा पहनेंगे तो पगड़ी पहनेंगे तो कवर हो जाएगा, तो जी फिर उसकी सेहरा या पगड़ी की गुंजाइश तो नहीं लग रही हसन, मुझे। गंजे लोगों की भी शादी होती है, वो कैसी बातें कर नहीं, मतलब वो वाले दूल्हा नहीं बनेंगे। मैं कहने का जी मकसद ये है कि जो एक जी प्रॉपर दूल्हा हम शादियों पे देखते हैं, जी शेरवानी पहनी हुई है, सर पे जी पगड़ी पहनी हुई है। जी वो होगा, पगड़ी तो पहनेंगे वो, मेरा अपना अभी ख्याल आप है। कह रही मस्जिद में होगी शादी? वो निकाह मस्जिद में होगी ना, अच्छा, तो वलीमे पे वलीमे तो, पे? हाँ अरे क्यों नहीं, वलीमे पे कौन पगड़ी पहनता होगा? आजकल तो मिक्स्ड होता है ना फंक्शन, जब आप अच्छा बारात नहीं कर रहे तो वो एक रिसेप्शन ही होगा ना। अच्छा। बट मूविंग टू नेमल, हाँ, नेमल को आपने कुछ स्टॉक किया इंस्टाग्राम के ऊपर? मैंने ये नहीं किया, बट आई नो दैट ड्रामा देखने से कि शी इज एन एक्सट्रीमली प्रिटी गर्ल, और आधा उनमें जो मैंने पढ़ा है उनके बारे में, इट्स हाफ पठान एंड हाफ पर्शियन ब्लड, अच्छा, और ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता व्यूअर्स के जी जी पास जी थी या नहीं जी थी, बट हाफ पर्शियन एंड हाफ हाफ पठान। पठान ब्लड, ये मुझे पता है कि उनको गार्नेट और रेड लिपस्टिक का बहुत शौक है, तो ये उनकी लिपस्टिक तो डार्क होगी। मेरे ख्याल है कि उनके कपड़े भी लो की होंगे, आई अच्छा थिंक शी विल गो फॉर अ डिजाइनर, बट इट वॉन्ट बी समबडी बिगिन आउट देयर, बिकॉज दे वांट इट टू बी लो प्रोफाइल। कलर की प्रेडिक्शन करना चाहिए आपके निकाह पे दोनों, आई वाइट? कांट से, इट्स अ समर वेडिंग, आई थिंक निकाह तो डेफिनेटली वाइटिश होगा। बिकॉज वी नो दैट द निकाह इज आल्सो ड्यूरिंग द डे, जी इट्स निकाह गोइंग टू डे बी अ है, डे इट हैज निकाह, टू बी अ पेस्टल, इट हैज टू बी अ वाइट, और शादी पे मुझे लगता है रेडी होगा, रेड ट्रेडिशनल। होगा। जी अच्छा जी, अब मूविंग ऑन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी गेस्ट लिस्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे हसन, ये कितनी आसान गेस्ट लिस्ट है ना, ये तो हैं क्यों? इतनी आसान गेस्ट लिस्ट है, हमजा इतने प्राइवेट हैं, ही सच ए प्राइवेट पर्सन अदर देन व्हेन ही इज ऑन ट्विटर, तो और थोड़े पॉलिटिकली इंक्लाइंड भी हैं और पीटीआई लॉयलिस्ट भी हैं, हाँ मेरे ख्याल से हाँ हाँ प्राइम मिनिस्टर तो होंगे उनकी शादी पे। गिवन द फैक्ट कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को शादियों को अटेंड करने का बड़ा शौक नहीं, है, कोई ऐसी बात नहीं शादियों है, का शौक है, ऐसी कोई तो बात आई एम नहीं श्योर वो है, अपनी सपोर्ट देने हमजा को जरूर मेरे आएंगे। ख्याल है वो अपनी सपोर्ट देने जरूर आएंगे। खान साहब वो जी बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर आएंगे, और वलीमे पे मुझे, शायद आए, वो निकाह पे शायद हाँ ना, वलीमे पे, वलीमे की हाँ बात कर रही हूँ, आई थिंक वलीमा माइट बी अ बिग ग्रैंडर अफेयर इन इस्लामाबाद,
और PTI के टॉप लीडर्स जो हैं वो शायद सारे आए. लेकिन जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप सोच लें अगर मौला जट इस साल नहीं भी रिलीज होती कि वो आपको किरदार सारे शादी पे नजर आ जाएंगे. आप समझे यही मौला जट ये द लेजेंड ऑफ मौला जट ये रिलीज तो फवाद और मायरा को फिर हम एक्सपेक्ट करें. मेरे ख्याल से मेक इन अपीयरेंस. आई थिंक सो और फिर बट नो डू यू रियली थिंक के अगर निकाह की जो सेरेमनी होगी वो थोड़ी सी प्राइवेट होगी तो वलीमा वाकई में ऐसा ग्रैंड एक इवेंट होगा. ग्रैंड फिर भी नहीं होगा लेकिन ये सब उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं. आई एम क्वाइट श्योर के मौला जट की कास्ट ज़रूर होगी. अमारा हिकमत होंगी, बिलाल आशारी होंगे, फवाद, माहिरा, उमैमा, ये सब हो सकते हैं शादी पे हों. जो उनके JPN के एक ब्रोज हैं वासिर चौधरी जो जिन्होंने उनको मुबारकबाद भी दी ब्रेकिंग न्यूज़ ट्विटर के ऊपर सबसे पहले. ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि उनको वो बुलाते हैं कि नहीं. अहमद अली बट जी जिनके साथ उन्होंने काम किया है, परवाज जुनून में आहद रजा मीर के साथ उन्होंने अभी रिसेंटली काम किया है, हानिया आमिर जो कि इजा के साथ ड्रामा में काम कर रही हूं कि वो बुलाएंगे अपने पुराने जो इस्लामाबाद के दोस्त हैं गोहर. मेरे दिमाग में जो एक सवाल उठ रहा है बार बार वो ये कि अगर ये कल रात को ट्विटर के ऊपर कार्ड लीक ना होता तो क्या हमें ये शादी के बारे में पता चलता या ना चलता? नहीं ना चलता. आपको शादी के बाद चलता? नहीं, बगैर नेमल ने कल अपना लगा दिया था. क्या चीज़? एक पोस्ट उसने लगाई थी which didn't really say anything. She said happy day in my life or suggestion था. प्लस ये कि वो कुछ ज्वेलरी डिजाइनर से बात कर रही है दो तीन दिनों से तो थोड़ी 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 बात थी. वो मुझे ये पता चला कि आपके पास इस बारे में कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन है ज्वेलरी को नेमल की लेके. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. मुझे ये है कि लोकी है सब कुछ. हाँ. शफक हबीब का नाम सुनने में आ रहा है और लेकिन कोई कंफर्मेशन कुछ भी नहीं. तो है. क्या आपको ये खबर है कि ये मुझे पता है कि जो अभी ड्रामा हुआ था ना ये यासर हुसैन वाला, इस पे नेमल और हमजा इकट्ठे पाए गए थे. तो ये कौन सा ड्रामा हुआ? ये नाचना जाने व्हिच इज रियली स्ट्रेंज कि कोई भी उनकी तस्वीर इकट्ठे लीक नहीं हुई. नहीं 10 अप्रैल को जो इस्लामाबाद में एग्जीबिशन हुई थी नेमल की आर्ट एग्जीबिशन बिकॉज़ शी इज एन एनसीए ग्रेजुएट. या आई डोंट नो वो इस्लामाबाद में थी या लाहौर में थी बट ऑन दैट एट दैट एग्जीबिशन हमजा मेड एन अपीयरेंस एंड देन वो जो उनकी पिक्चर्स जो अभी भी देख रहे हैं आप इस वीडियो में भी जो नजर आ रही होंगी लोगों को पिक्चर्स वो वहां की पिक्चर्स हैं. सो 10th अप्रैल हां सो दैट मींस समथिंग वाज ब्रूइंग. इतनी जल्दी नहीं हुआ ये. ऐसा नहीं है कि जी हमजा हज करके आए और उनको मैं बताऊं ऐसे ही ब्रू होना चाहिए. हां क्वाइट ब्रू होना चाहिए बिल्कुल. ये लेकिन अना के फैंस के लिए और नेमल के फैंस के लिए मैं ये हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहूँगी कि मेरा नहीं ख्याल इसके बाद शी विल बी एक्टिंग एनीमोर. रियली व्हाई डू यू से दैट? बिकॉज़ इज दैट बिकॉज़ हमजा सो कंजर्वेटिव? नो इट्स नॉट बिकॉज़ हमजा इज कंजर्वेटिव. हमजा इज हिमसेल्फ कमिंग इन अ प्ले राइट नाउ इन अलिफ बट आई थिंक दैट शी विल हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी बिकॉज़ आई फील दैट हमजा डज हैव पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस राइट. तो वो she will take the role of a responsible wife. अच्छा तो मुझे बताएं कि नेमल आपको first wife या first lady बनती हुई नजर आ रही है कभी पाकिस्तान की? मतलब है हमजा प्राइम मिनिस्टर जी? जी नहीं. जी नहीं. मैं अभी इमरान खान से बहुत खुश हूँ. अभी हाँ. आप हमजा तक नहीं जाते. अच्छा मुझे एक और बात बताएं. आजकल शिप नेम्स और जो सेलिब्रिटी कपल नेम्स हैं उनका बड़ा एक चर्चा होता है. हमने तो जो हम हमजा अली अब्बासी और नेमल खावर का जो जुड़ेगा जब हैशटैग नेमजा हाँ तो क्या आपको क्या लगता है क्या होगा? आई डोंट नो. हमने हो सकता है नवजा नमजा नमजा हेमल नेजा भी हो सकता है. वैसे आई थिंक इधर ना ही जाए तो बेहतर है. अभी तक उन्होंने बड़ा ही डिग्निफाइड तरीके से सब कुछ किया है. आगे भी करने दें उनको. तस्वीरें ऑब्वियसली लीक हो जाएंगी निकाब की भी और दोनों हसीन लग रहे होंगे और बहुत. हाँ आपको मेरा सवाल अब यही था. आपको लगता है कि हमें निकाह की और जो वलीमे की पिक्चर्स होंगी वो देखने को मिलेंगी? कोई तो जाएगा ना अटेंड करेगा तो जो जाएगा फोन कॉन्फिस्केट ना कर लें जैसे नहीं, जितने नहीं, हमजा प्राइवेट हैं. नहीं वो इस टाइप के नहीं है. ऐसे नहीं है कि वो बगैर वो ये नहीं करेंगे कि वो कहेंगे कि जी लोग ही प्राइवेट और फिर खुद से ही मीडिया को लीक कर दें. ये वो नहीं करेंगे. ये नहीं करेंगे. पिक्चर्स हमें आपको लगता है देखने को मिल जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल. अच्छा हमने फाइनली एक छोटी सी बात जो मैंने नोटिस की, मैं देख रहा था हमारे स्टोरी के ऊपर भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक आया, लोगों ने कॉमेंट्स भी किए. कुछ लोग इस बात से बड़े परेशान है कि इज़ा और अल्तमश की शादी नहीं हो रही, यानी नेमल की और उस्मान मुख्तार की. इज़ा और अल्तमश वो ड्रामा है वो एक एक्टिंग कपल. एग्जैक्टली उनकी अगर ड्रामे में ही शादी हो जाए तो बड़ी बात है. कुछ लोगों ने एक्चुअली कहा कि वो जैसे यू नो लास्ट एपिसोड अना में आपने भी कहा कि अल्तमश कैंसिल कराने आया था शादी, तो इस शादी में भी अल्तमश पहुंच जाएगा एंड में और लोगों की एसोसिएशन कैरेक्टर के साथ इतनी स्ट्रांग है. मेरे ख्याल है अगर आप ड्रामे तक रहें और उसमें ही उम्मीद रखें कि उनकी शादी हो जाए तो बड़ी बात है और मेरे ख्याल में कि एक खुशी की बात है. एब्सोल्युटली हमजा
की बहुत स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है, नेमल की भी बहुत बड़ा एक इंक्रीज आया उनकी फैन फॉलोइंग में बिकॉज ऑफ अना. तो एंड दे डू एज यू सेड दे डू मेक अ गॉर्जियस गॉर्जियस कपल. सो हमारी दुआएं उनके साथ हैं. शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सो आई मीन या, एंड शी इज एजुकेटेड एंड यू नो. और हमने हमजा का एक लॉन्ग ओवरड्यू एक इंटरव्यू आपने काफी अरसे से प्लान कर लिए करने का, तो आई एम श्योर कि आप शायद हमजा और नेमल के साथ मिलके कुछ कुछ इंटरव्यू हो जाए, राइट? ठीक है. सो ऑन दैट नोट आई थिंक वी विल टेक या वी विश हमजा एंड नेमल वेरी गुड लक. वी विश हमजा एंड नेमल ऑल द बेस्ट. और नेमल हमजा की जिंदगी में अच्छी सो लेके आएंगे, अच्छी लेके आएंगे, जैसे कि कुछ लोगों ने कहा भी कमेंट्स में के हमजा की जिंदगी में अब अच्छाइयां थोड़ी थोड़ी ठंड लेके आए, ठंड लेके हमजा काफी वो हाई टेंपरेचर पर रहते हैं. ठीक है, ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और हमारे पास पिक्चर्स जैसे ही आएंगी, ऑफ कोर्स हमने अपने जासूस अब छोड़ दिए हमने, तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे. इफ एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल.